Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, in the previous lecture we have done the English A work. हमने unit number 3 तक complete किया था अपना काम और कुछ हमने work English B का किया था. And today's lecture, in the lecture number 7, we are going to start only the English B portion. आज हम सिर्फ English B portion करेंगे और उसमें सबसे पहले जो हमने काम करना है that is translation paragraph. ठीक है? Translation paragraph हमें सबसे पहले करना है and these are the paragraphs 7 to 9. हमने आज तीन पैराग्राफ्स करने हैं. फर्स्टली हम देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 7 को. पैराग्राफ नंबर बेटा पैराग्राफ नंबर 7, 8 और 9 जो आज हमने कर रहे हैं ये तीनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री पैराग्राफ्स. कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था, पैराग्राफ नंबर 4 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था और अब आपको मैंने बताया है कि 7, 8 और 9 आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा. फाइन, आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो है अनारकली बाजार के बारे में. अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है. अब कल मैंने आपको इन द प्रीवियस लेक्चर से लेक्चर नंबर 6 मैंने आपको ये समझाया था कि कुछ सेंटेंसेस टेंसेस नहीं होते. तो ये वही वाली ही बात आई है. देखिए पहले सेंटेंस, अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है, जस्ट एक सिंपल सेंटेंस है. अनारकली इज द बिजिएस्ट बाजार. बिजिएस्ट बाजार का ये सुपरलेटिव डिग्री है जो हमने पिछले लेक्चर में भी की थी. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है. बिजिएस्ट यानी सबसे ज्यादा. मसरूफ तरीन बाजार है लाहौर, लाहौर का ये हमेशा लोगों से भरा रहता है. इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पीपल. आप ये भी कर सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल. दुकानें रात देर तक खुली रहती हैं. द शॉप्स रिमेन ओपन. दुकानें खुली रहती हैं टिल लेट एट नाइट, रात गई देर तक. आप यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं. यू कैन बाय, आप खरीद सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर. यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें. कुछ लोग यहाँ से अशिया खरीदने आते हैं. सम पीपल कम हियर. कुछ लोग यहाँ आते हैं टू बाय थिंग्स, चीज़ें खरीदने. बट बहुत से लोग सिर्फ सैर तफरीक के लिए आते हैं. बट अलॉट ऑफ पीपल का मतलब बहुत सारे लोग कम हियर आते हैं यहाँ पर जस्ट फॉर रिक्रिएशन, सैर तफरीक के लिए. अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं. फेरी वाले मैंने आपको कल जो प्रीवियस लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैंने आपको ये बात बताई थी कि हॉकर्स कहते हैं जो आवाज़ें लगाकर रेडियो पर सामान बेचते हैं, फेरी वाले. ठीक है, देयर आर ऑल्सो मैनी हॉकर्स इन अनारकली. वो बटन, फीते, सुइयां, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं. दे सेल बटन्स, लेसिस, नीडल्स, सुइयां, क्लिप्स एंड अदर आर्टिकल्स और सच कॉइन. आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पर है इसी किस्म की दूसरी चीज़ें. कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं. जेब तराश कहते हैं पिक पॉकेट्स को, सम जेब कतरों को. यानी सम पिक पॉकेट्स ऑल्सो कम टू अनारकली. कुछ पिक पॉकेट्स भी अनारकली में आते हैं. अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें. इफ़ यू गो टू अनारकली, अगर आप अनारकली जाएं, बीवेयर ऑफ दीज. यहाँ पर दीज का वर्ड आएगा. ठीक है, दीज पिक पॉकेट्स. तो इन पिक पॉकेट्स से होशियार रहें या इनसे खबरदार रहें. स्टूडेंट्स, ये आपका था पैराग्राफ नंबर 7. इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं बता चुकी हूँ. और ये जो सेकंड पैराग्राफ नंबर 8 है ये तो अक्सर पेपर में आता है. सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस. सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. वाल रैंक की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है. इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी. मोरल ड्यूटी का मतलब है इखलाकी फर्ज. हमारा इखलाकी फर्ज है टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का की इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें उनको. वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं. दे प्रोवाइड अस विद फूड. एक लाइन बेटा यहाँ से मिस हुई है. लेट मी राइट दैट, वेट फॉर अ मोमेंट. ताकि की इंग्लिश होगी सो दैट. हम तालीम हासिल करने के
आप इनकी खिदमत करें, वी मे सर्व देम। अब ये चूंकि बात हो रही है कि शायद हम करें, यदि अभी हमने की नहीं है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर मे का वर्ड यूज करेंगे, दैट वी मे सर्व देम, कि हम शायद हम उनकी खिदमत कर सकें या खिदमत करें। इससे हमें राहत मिलेगी आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, मतलब तालीम हासिल करने के बाद, इट विल गिव अस कम्फर्ट, इससे हमें कम्फर्ट मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपके पैराग्राफ नंबर 7 और 8 कम्प्लीट हो रहा है, अब हम पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। पैराग्राफ नंबर 9 जो सेंटेंस है आपका पास्ट और डेफिनेट टेंस में भी यूज़ हो रहा है और डिफरेंट टेंसेस हैं इसके अंदर स्टार्टिंग पर भी। एक दफ़ा दो सफर पर रवाना हुए, अब ये आपका पास्ट डेफिनेट टेंस है, यानी सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। वंस एक दफ़ा टू फ्रेंड्स सेट ऑन अ जर्नी, एक सफर पर रवाना हुए, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, दे प्रॉमिस टू स्टैंड बाय ईच अदर, के एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। स्टैंड बाय का मतलब होता है एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे का साथ देना। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन ये भी एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है मुसीबत के वक्त पर, ठीक है। वो एक जंगल में पहुंचे, वे रीच द जंगल, वे जंगल में पहुंचे। देखिए पास डेफिनेट टेंस यूज हो रहा है सारे में अभी तक। उन्होंने एक रीच को अपनी तरफ आते देखा, दे सॉ अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम, कि अपनी जानिब अपनी तरफ एक रीच को आते देखा। ये बियर भी हमने कल पढ़ा था पेयर ऑफ वर्ड्स में इन द प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। ये देखिए आपके पेयर ऑफ वर्ड्स ही 3-4 वर्ड हम अभी के लेक्चर में ही कर चुके हैं, तो आपको यहाँ से ही पेयर वर्ड्स ऐसे याद करने की इसलिए ही जरूरत नहीं होती कि आप यहाँ से वर्ड लेकर वहाँ पर सेंटेंसेस इजीली बना सकते। उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया, वन ऑफ देम उनमें से एक रैन भागा, यानी रन की सेकेंड फॉर्म रैन, रैन भागा एंड क्लाइंब्ड अप अ ट्री और दरख्त पर चढ़ गया, क्लाइंब मतलब चढ़ गया। उसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त कुड नॉट क्लाइंब अप, नहीं चढ़ सका दैट ट्री दरख्त पर, इसका वो लेट गया, ही ले ये सेकंड फॉर्म में लाई थी, ही ले, वो लेट गया डाउन जमीन पर एंड होल्ड हिज ब्रेथ, और अपना सांस रोक लिया। होल्ड का मतलब है रोकना, पकड़ लेना, ब्रेथ का मतलब है सांस। स्टूडेंट्स अब हमने करना है अपनी वर्ब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज। ओके स्टूडेंट्स अब हम करते हैं वर्ब एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2। वर्ब एक्सरसाइज है आपकी ग्रामर बुक, तो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन है इसमें पेज नंबर 162 पर है आपकी वर्ब एक्सरसाइज नंबर 1। ये हो सकता है किसी की बुक पर 163 पेज नंबर भी हो, आप देख लीजिएगा। ओके आपके पास हम पहले तो कर रहे हैं वर्ब एक्सरसाइज नंबर 1 स्टूडेंट्स, इसमें टेंस यूज हुआ है ना, बेसिकली वो हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आपको बेसिकली अगर तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कौन सा टेंस है वहाँ पर ऊपर मेंशन हुआ हुआ होता है, बट पेपर में जब आपको आएगा तो वहाँ पर डेफिनेट टेंस मेंशन नहीं होगा, तो ये उस एक्सरसाइज में से आया था। आप 9th में वैसे ही कर चुके हैं एक्सरसाइजेस, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि आपको अगर ये एक्सरसाइज फिल करनी है ना, तो पहले आपको टेंसेज जरूर आने चाहिए। अब ये देख लीजिए कि आपके लिए टेंसेज कितने ज़रूरी हैं, आपके ऐसे में टेंसेज काम आ रहे हैं, आपके ट्रांजिशन पैराग्राफ में टेंसेज काम आ रहे हैं, आपके वर्ब एक्सरसाइजेस टेंसेज के बगैर हो ही नहीं सकती, इसी तरीके से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो टेंसेज के बगैर हो ही नहीं सकते। तो बेटा 9th क्लास में टेंसेज करवाने की रीज़न यही थी कि आपको अच्छी तरह से अजबर हो जाएं, नहीं हुए हैं तो अभी भी कर लीजिए बट लाजमी कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास हम आता है डेफिनेट टेंस, हम ये देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एसईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा हो तो हम उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैंने थॉरली यहाँ पर नहीं लिखा है इसके आइडेंटिफिकेशन एंड मेथड को, इसीलिए क्योंकि अब इस वक्त उसका करने का हमारे पास वक्त नहीं है, वो 9th में था, मैंने इसको सिर्फ रैंडमली आपको रिमाइंड करवा दिया है। अगर आपने उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो डू और डज लगाया जाता है, डू लगाते हैं हम प्लूरल के साथ यानी आई हुई यू दे के साथ, और डज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ नॉट लग जाता है, फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस हो रही है, सर्विस नहीं आता। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखें तो इसमें इज एम आर लगता है, इज लगता है ही शी के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है वी दे और यू के साथ, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की और आई एन जी यूज होता है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेथड हो गया, अब आपको यहाँ से देखना है। स्टूडेंट्स आपके पास पहला सेंटेंस है शी डैश हैव केयर्ड वेरी मच, आपको इसी फॉर्म में ही पेपर में आता है, 5 नंबर की वाला क्वेश्चन होता है जो आपको बड़े एक्सरसाइज से पूछा जाता है। अब आपने क्या करना होता है, आपने इन ऑप्शन में से सही आंसर को ढूंढना है। आपने देखा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो शी है, सिंगुलर है, तो आपने सिंगुलर के साथ ये वाला एस नहीं लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी आप कंसिडर इसको कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमने वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना होता है, यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं आ रहा, तो आप इस ऑप्शन को फौरन से ही कंसिडर ना करो, छोड़ दो, ठीक है।
इसके बाद आप अभी भी धारित को छोड़ देते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देखो इज लविंग, शी इज लविंग हर कैट वेरी मच। आप इसका अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करें ना इन सेंटेंसेस के, अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन कर ले तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। हम करके अगर देखें इसको तो ये बनता है शी इज लविंग हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस ना ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल से मुराद होते हैं डेली रूटीन में हम यूज कर रहे होते हैं उनको। वो अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, हम शाम को चाय पीते हैं, वो अखबार पढ़ता है, वो रोजाना अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पर हम वैसे ही ताह कर रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं ना तो रहा है कि सेंस अच्छी नहीं बन रही होती, तो यहाँ पर आप इसी वजह से इस लविंग को भी कंसिडर नहीं करोगे। शी इज लविंग हर कैट वेरी मच की जगह, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने करना होता ना इज लविंग, तो उसकी भी सेंस मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस सेंस में यहाँ पर इज लविंग कर सकते थे। एक मिनट के बाद मैं आपको ये बताऊंगी, पहले हमारी पहली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ले। शी डैश हर कैट वेरी मच, शी इज लविंग हर कैट वेरी मच भी नहीं आ सकता, और इसके बाद आपको आ जाता है सिंपल लविंग। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है, हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी अगर लगा हो तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब साथ आता है। यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं आ रहा तो आप इसको भी नहीं कंसिडर कर सकते। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रह गया है और वो है ये बी, शी लव्स हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, यूजुअल काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर करती है जब आ जाएगा तो फिर ये ES लगा हुआ है, हमारी शर्तें पूरी हो रही है, तो हमने इसके ऊपर टिक कर देना है, बबल शीट पर आप B को फिल कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका अब मैं आपको मैं वो बात बता देती हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा था, मैं यहाँ पर करवाने के बाद बताऊंगी। स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चले, छोटी सी बहुत की पॉइंट मैं आपके हाथ में दे रही हूँ, आप समझ लीजिए कि क्लियरली आपके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व आउट करना ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास ना कुछ वर्ड्स ही देखिए, At present, today, now, ये तीन words। अगर तो इस exercise number वन में आपके पास इन तीन words में से आखिर पर इनमें से कोई word आया है today, at present या now, तब आप इसको इस level में करोगे, present continuous में करोगे। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है, एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी वैसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगी कि अगर आपके एक सेंटेंस गिवन है, वहां पर अगर गिवन सेंटेंस के आखिर पर इन तीनों में से कोई वर्ड आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में करोगे, यानी आप एग्जाम हॉल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा आपके साथ फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी। अब देखिए एक्सरसाइज वापस, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, वही बात जो यहाँ पर आया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ गो अगर सिंपल लिखा हुआ तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। गोन ये थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद वेंट, वो रोजाना स्कूल गया नहीं सेंटेंस बनता है, तो यूजुअल काम फील हो रहा है कि रोजाना स्कूल जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर वो रोजाना स्कूल जाता है, बात पूरी अब हो रही है, तो आप इसी को ही कंसिडर करोगे। इसके बाद आपका है एक डैश एट प्रेजेंट, अब ये देखिए एट प्रेजेंट आ गया ये वाला, तो हमें वैसे ही समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने लेकर जाना है, लेकिन हम इसको वैसे भी समझ लेते हैं लॉजिकली। इट रेन एट प्रेजेंट, वही बात का सिंगुलर सब्जेक्ट है, विदाउट एस और ईएस है, तो ये नहीं हो सकता। इट रेन्स एट प्रेजेंट, अब इसके अगर हम तर्जमा करें तो क्या बनता है, अब बारिश होती है, तो ये सेंटेंस नहीं बनता। हम क्या कर सकते कह सकते हैं कि अब बारिश हो रही है, हम ये नहीं कहते हैं यूजुअल सेंटेंसेस में, यूजुअल लाइफ में कि अब बारिश होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। रेनिंग आई एन जी वाली फॉर्म लगी हुई विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कंप्लीट है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है, साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, अब बारिश हो रही है, तो फिर ये वाला सेंटेंस आपका ठीक क्लियर होगा, कंसिडर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ सेंटेंस है दे डैश टू एवरी मॉर्निंग, अब ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। दे ड्रिंक सी टी, अब यहाँ पर देखिए कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में देखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा हो तो उसके साथ हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, नो एस और ईएस विद द, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग ड्रिंक्स, अब यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर तो एस लगा हुआ है, तो इसको भी आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि प्लूरल के साथ एस नहीं आ सकता। इसके बाद दे ड्रिंक टी, हाँ ये बन सकता है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं अभी। इसके बाद दे ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग, वही बात जो यहाँ पर हमने की थी वही बात सेम यहाँ पर भी हो रही है कि वो रोजाना उसने रोजाना वो रोजाना चाय पी, यानी उन लोगों ने रोजाना चाय पी, तो सेंटेंस का जो उर्दू में बोलने का अंदाज है वो क्लियर नहीं हो रहा,
ड्रंक. थर्ड फॉर्म है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये भी कंसिडर नहीं होगा. अब हम इसको वापस दे देते हैं. दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. वो रोजाना चाय, वो हर सुबह चाय पीते हैं. यूजुअल आदत है उनकी है. तो फिर यहाँ पर आप उसको बी को कंसिडर करोगे. इसके बाद थोड़ा सा आपके पास फिफ्थ सेंटेंस है. गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश आर. जो यहाँ पर सेंस है सेम यहाँ पर सेंस है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो सख्त मेहनत करते हैं. वर्क वर्क्स वर्किंग हैज वर्क. इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता. ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना. देखें हैज के साथ सिंगल फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. मैंने अभी आपको बताया कि वर्क फॉर्म जो वर्क हमारे थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्क के साथ होती है. और जो हेल्पिंग वर्क होता है वो कौन सा हो सकता है थर्ड फॉर्म के साथ? या हैज होगा, या हैव होगा, या हैड होगा. ये हम अभी अपने एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे. तो ये बारह हाल नहीं हो सकता. वर्किंग विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब ये भी नहीं हो सकता. वर्ड्स प्लूरल है सब्जेक्ट. गुड स्टूडेंट्स ज्यादा है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ऐसा लगा हुआ ये भी नहीं हो सकता. तो फिर अब आपके पास जो सही ऑप्शन है वो ये वाला होगा. ये स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज नंबर वन के मैंने पांच सेंटेंसेस यहाँ पर सॉल्व कर आपके किए हैं. आपको मैं इसके भी मजीद दो या तीन सेंटेंसेस और करवा देती हूँ. इसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंसेस होंगे ना वो आप खुद से करना. आपको मैं अभी यहीं पर ही करवा रही हूँ. इसी बोर्ड को ही मैं रेस करती हूँ और इसी बोर्ड को ही रेस करती हूँ. दोबारा से करवा देती हूँ आपको. ठीक है. और इसके बाद अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे सिक्स, क्योंकि सिक्स भी आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. सिक्स पॉइंट जो है ना आपका इस एक्सरसाइज में से ना आपको अक्सर आ जाता है पेपर में. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज स्पेशली. ठीक है. द अर्थ अराउंड द सन. तो यहां पर अब आपका जो ऑप्शन होगा वो आपको कोई भी हो सकता है. द अर्थ रिवॉल्व्स आ सकता है आपको पेपर में. ये सिर्फ हम फर्स्ट कर रहे हैं कि शायद इस तरह के कुछ ऑप्शंस वो दे सकें. ये अब ये देखिए कि आपके पास सेंटेंस जो भी आ रहा है या सेंटेंस आ रहा है आपके पास, हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कि सूरज जमीन सूरज से गिर्द घूमी. वो घूमी नहीं है, घूमती है. तो यूजुअल काम है कि वो घूमती है तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये एक दफा की तो बात है नहीं, उधर रोजाना की बात है. आर रिवॉल्विंग, अब अर्थ सिंगुलर है और यहाँ पर आर लगा हुआ है तो ये भी कंसिडर नहीं होगा. इसके बाद रिवॉल्व, अब ये सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रेस नहीं लगा हुआ तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे. ये हमारी शर्त पर पूरा उतर रहा है तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये सही है. ठीक है. इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट. शी फ्रेंच एट प्रेजेंट. अब ये देखिए कि यहां पर एट प्रेजेंट मैंने आपको नाम बताया था, यहां भी एट प्रेजेंट आया. ये तो बात हमें वैसे ही पता है कि हमने यहां पर कॉन्टिन्यूस के सेंस में इसको कंप्लीट करना है. देखते हैं. शी is learn एक ऑप्शन, can be learns is learning. तो ये देखिए कि is learn तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके साथ ing form नहीं आ रही. ठीक है, consider नहीं होगा. learns, she learns French at present. वो अब इस वक्त फ्रेंच सीखती है. तो अगर इस वक्त की अब की बात हो रही है तो सीख रही है कि सेंस में आकर हमने पहले भी बात ये वाली की थी तो ये भी कंसिडर नहीं होगा. ये शर्त पूरी हो रही है तो ये कंसिडर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके तकरीबन 7 सेंटेंसेस करवा दिए हैं इसके और 15 सेंटेंसेस के टोटल हैं. तो अब यहाँ पर सेंटेंसेस फिनिश करते हैं. अब अपने एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1 आपने जो अब बाकी के रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो आपने एज एन होमवर्क कर लिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ब एक्सरसाइज नंबर 2. और वर्ब एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास जो टेंसेज यूज हो रहे हैं ना वो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी हैज हैव हैड का यूज़,
तो बेटा ये देखिए कि ये हैज हैव हैड, ये लाइक एक फैमिली है और इस फैमिली के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। Has, have, had एक फैमिली है और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, एक्सेप्ट इन दैट केस कि वो सेंटेंस हो टेंस ना हो, यानी कि टेंस है तो फिर तो हैज हैव का मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना, फिर रखने के सेंस में, पोजेशन के सेंस में बात आ जाती है। बट अगर आप टेंसेस की बात कर रहे हैं तो has, have, had के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। अच्छा, ये आपकी होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात, अब यहाँ पर भी has, have और उसका थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैज या तो फिर हैव यूज करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, हैव हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, और बीन उसके साथ हम लगाएंगे या फिर हम फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगाते हैं। स्टूडेंट इसके साथ ना आगे, इसके आगे सिंस या तो फिर फोर भी इस्तेमाल होता है। ओके, लेट्स कम टू अवर एक्सरसाइज नाउ। बेटा आपका पहला जो सेंटेंस है इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नंबर टू का, वो है आई ऑलरेडी डैश थ्री कप्स ऑफ कॉफी। अब यहाँ पर अगर हम इसको अब कोई ऑप्शन हम ना भी देखें तो हम सिर्फ अगर सिंपल सेंटेंस के लिए उर्दू ट्रांसलेशन करें तो क्या बनेगी कि मैं, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि उसने कॉफी पी है, तो हम इसको खुद से अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, आई ऑलरेडी टेक थ्री कप्स ऑफ कॉफी, मैं पहले ही ऑलरेडी का वर्ड आया ना, तो फिर मैं पहले ही तीन कप कॉफी के पी चुका हूँ, मैं पहले ही तीन कप कॉफी के पी चुका हूँ। हमने अभी ऑप्शंस नहीं देखे, उर्दू सेंटेंस ने ही हमें बता दिया कि यहाँ पर क्या यूज होगा। अब अगर आपको टेंसेस आते हो और आपको उर्दू आइडेंटिफिकेशन पता हो, तो जैसे हमने किया कि मैं पहले ही तीन कप कॉफी के पी चुका हूँ, तो ये हूँ में, चुका हूँ में हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो आपने उसको यहाँ पर से तलाश करना है कि कौन सा वाला है जो हैज हैव की फॉर्म और थर्ड फॉर्म रखता है। टेक नहीं रखता, टेक्स भी नहीं रखता, टेकन थर्ड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हैव ही यूज होगा क्योंकि आई प्लूरल काउंट होता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक कंसीडर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस है आई नोट यू सिंस मंडे। अच्छा बेटा यहां पर अब आपको एक बात समझनी है, तवज्जो दीजिएगा जरा, देखें हमारे पास जो ये टेंस है ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें मैंने आपको ये बताया कि आखिर पर सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है, तो इस एक्सरसाइज की एक निशानी आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके सेंटेंस के आखिर पर सिंस या तो फिर फॉर आ रहा है तो आप उसको हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी के सेंस में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। हैज हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी के सेंस में आप इसको लेकर जा सकते हैं, बट कुछ सेंटेंसेस बेटा ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर पर सिंस आ रहा होता है बट उसके बावजूद हम उसके साथ हैज बीन फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वही बात है कि आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई नोट यू सिंस मंडे, हमने वोकैबुलरी में ऐसा वर्ड देख लिया कि सी का वर्ड यहाँ पर आना था, आई नोट सी यू सिंस मंडे, शायद यहाँ पर यानी कि मैंने तुम्हें मंडे से नहीं देखा है। अब आप उर्दू में क्या बात करते हैं, अगर आपको किसी से कहना हो कि मैंने तुम्हें मंडे से नहीं देखा है तो आप यूजुअली यही कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें मंडे से नहीं देखा है, इंस्टेड ऑफ ये कहेंगे कि मैं तुम्हें मंडे से नहीं देख रहा हूँ। हमें खुद ही ऑकवर्ड साउंड कर रहा है वो, बोलने में ही ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, सुनने में ही ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर सिंस होने के बावजूद हम इसको इस फॉर्म में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के सेंस में नहीं लेकर आएंगे। हम यहाँ पर इसको उर्दू ट्रांसलेशन करने के बाद, समझने के बाद कि मैंने तुम्हें मंडे से नहीं देखा है, हमें पता चला देखा है आ रहा है, फिक्र है कि आखिर में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म बन रही है, तो हम हैज हैव और थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, और हमने फिर इन ऑप्शंस में से वो ढूंढना है जो हैव या हैज की थर्ड फॉर्म रखता हो, ठीक है। आई है, आई के साथ हैव लगेगा तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बेटा आपके पास जब फोर ऑप्शन होते हैं ना, उनमें से टू ऑप्शन तो टिपिकली ऐसे होते हैं कि वो फौरन से उनको रद्द किया जा सकता है, आप उसको वैसे एक्सक्लूड कर सकते हो कि ये दोनों का नहीं हो सकता, वो इतने आउट ऑफ होते हैं, ठीक है। हाँ, दो कोई ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आपने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, तो ये देखिए हमें वैसे ही समझ में आ गया कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हैव सीन और हैव बीन सीन है, सिंस की वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हैव बीन सीन हो सकता है, बट वही बात मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सिंस मंडे में हम क्योंकि हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया तो हमारे पास ये सेंस नहीं बन रही थी,
हमने इसको भी नहीं कंसिडर करना और हम इसको सही आंसर कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है माई ब्रदर नॉट मी फॉर 10 ईयर्स, मेरा भाई मुझे 10 सालों से नहीं लिख रहा है, लिखा नहीं लिख रहा है। अब यहाँ पर आप लिख रहा है कि सेंस आ गया ना और टाइम मेंशन किया गया, तो यहाँ पर अब आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। हमने देखना है यहाँ पर कहाँ पर हैज नॉट बीन राइटिंग आ रहा होगा, हैज नॉट रिटर्न नहीं हो सकता, हैज रिटर्न भी नहीं हो सकता, तो आपका सही आंसर ये वाला होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप स्टूडेंट्स के पेपर में बहुत गलती करते हैं, बाजों का पेपर में ना आपको 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे ए बी और सी, डी ऑप्शन नहीं होता। आप क्या करने के आदि होते हैं, आपने देखना आखिरी ऑप्शन था जो सही वाला था और वहां से आपने ये नहीं देखा कि आखिरी ऑप्शन सी था, आप बबल शीट पर डी को फिल कर रहे होते हो, तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। आपने इसको अवॉइड करना है, बचना है, आपने पढ़ना है ये ऑप्शन कौन सा, फिर वही ऑप्शन ही वहाँ पर आपने फिल करना है। इसके बाद में बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, बुक कई हफ्तों से वहां पर पड़ी हुई है, तो इस लाइन में नहीं हो सकता क्योंकि वही बात के हमारे पास टाइम मेंशन है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में तो नहीं कर सकते हैं, ले भी नहीं हो सकता, तो हैज इन लाइन, तो वो कई हफ्तों से वहां पर पड़ी हुई है। इसके बाद में डैश में सिंस मार्च हैव नॉट बीन स्पीकिंग, हैव स्पोकन इज नॉट स्पीकिंग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता कि वो मुझसे मार्च से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कर रहा है आपके पर आ रहा है, आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है क्योंकि सिंस में मेंशन हुआ है, तो आप यहां पर करेंगे ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग टू मी सिंस मार्च, ठीक है। अब ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए हैं, इनको भी मैंने आपको 5 करवा दिया, मैं 2 सेंटेंसेस और अभी आपको करवा देती हूं उसके साथ ही, और आपने बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, ठीक है। ये मैं अभी आपको साथ ही करवा रही हूं, आप देखते जाइए। जी आपका नेक्स्ट सेंटेंस है शी स्लीप सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऑप्शंस अगर हम ऑप्शन ना भी करें वैसे ही मैं आप बता देती हूँ आपको कि सिंस मॉर्निंग आ रहा है ना, तो सिंस के आपको हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा कि वो सुबह से सो रही है, तो फिर क्या बनेगा, टाइम मेंशन हो रहा है, सो रही है, आगे बढ़ाई है आ रहा है, तो आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि हमने काम परी वाली फॉर्म यूज करनी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, शी हैज बीन स्लीपिंग, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग यू वेट हियर, हाँ ये सेंटेंस आपको मुझे समझाना था, हाउ लॉन्ग You dash here. अच्छा आप स्टूडेंट्स यहां पर ये बात आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर आपके सेंसर फॉर इस्तेमाल नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं कि मैम यहां पर तो सेंसर फॉर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो यहां पर ऑप्शन आप कहेंगे कि हम ये करेंगे मैम हाउ लॉन्ग है यू सीन अकॉर्डिंग टू यू, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चे ये कहते हैं कि मैम यहां पर चूंकि सिंस या तो फॉर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहां पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स, आप इसको वही बात है बार बार मैं आपसे जो समझा रही हूं, आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, हाउ लॉन्ग यू सी यहां पर क्या था, सी है या वेट है, आई थिंक यस वोकैबुलरी वर्ड आपका वेट है। अच्छा यहाँ पर अगर आपको मैं यहाँ पर वेट का वर्ड लिखा हो हाउ लॉन्ग यू वेट हियर, उर्दू में तर्जमा करते हैं तुम यहाँ तुम हाउ लॉन्ग यू वेट हियर है ना, तुम यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हो, ये बनेगा ना इसका उर्दू तर्जमा, तुम यहाँ पर सॉरी तुम यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हाउ लॉन्ग यू डैश हियर, तुम यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हो, तो असल में ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर फोर नहीं लगाया था ताकि स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिफाई आसानी से ना हो जाए कि यहाँ पर सिंस या फोर आएगा, तो यहाँ पर आपको फोर आना है, ठीक है। फोर हाउ लॉन्ग आप यहाँ पर आ जाएगा यू हैव बीन वेटिंग हियर, ठीक है। तो आपको जो सही आंसर होगा वो क्या होगा फिर, फोर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हियर, सही हो गया। अच्छा अब स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है, बाकी की आपको मैंने बताया कि रिमेनिंग सेंटेंसेज एज एन होमवर्क आपने करने हैं। अब मैं आपको करवा रही हूँ प्रेपोजिशंस, आपके ही इसी नोटबुक पर ही वो है वो,
प्रीपोजिशंस आपके पेज नंबर 158 पर है, ठीक है, आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन की पेज नंबर 158 पर है। स्टूडेंट्स आपको ये जो प्रीपोजिशंस आने होते हैं ना, ये पेपर पे जस्ट आपको एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं और वो बहुत एक या दो आ जाते हैं कभी कभार ही। तो यहाँ पर आपको जैसे आपको पेयर ऑफ वर्ड्स करने की जरूरत है ना, रैंडमली आप खुद ही कर लेते हैं आसानी से ही, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। आपने सिर्फ प्रीपोजिशन का ख्याल रखना है कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। 1 to 30 सेंटेंसेस हैं आपके, लेट्स स्टार्ट। प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। आपको ये दो तरह से आ सकती है, या तो आपको प्रीपोजिशन मिस करके दे देंगे, आपसे कहेंगे प्रीपोजिशन क्या चीज़ होती है भला, ये आपको पता है कि प्रीपोजिशन हम कहते हैं ऐसे वर्ड्स, प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता, जिनका अपना कोई मीनिंग भी नहीं होता। कौन कौन से होते हैं बताइए, फॉर टू, बाय, बिसाइड, अप, डाउन, ये सारे आपके इस तरह के जितने वर्ड्स हैं ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये प्रीपोजिशन या तो आपको मिस करके दे दिए जाते हैं या फिर आपको पूरी फ्रेज सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि कौन सी फ्रेज है, दो चार वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है, डोमिनेटिंग किरदार प्रीपोजिशन अदा कर रही होती है, तो आपका वो सेंटेंस बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, प्लेयर्स को जरूर गेम के रूल्स को अवॉइड करना चाहिए, याद करनी चाहिए। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास, वो क्लास से गैर हाजिर था। पेज नंबर 158 पर है, या वहाँ से ही पढ़िएगा, बुक में से बुक में मौजूद है, तो बोर्ड पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेट, वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया या उसको चोरी का इल्जाम लगा। यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर, तुम्हें अपनी टीचर की बात को जरूर मानना चाहिए। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हारे साथ इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, वो मेरे बिहेवियर पर नाराज हुई। दे वर एंग्री विद मी, वो मुझसे गुस्सा थे। ही विल अपीयर बिफोर द जज, वो जज के सामने पेश होगा। द ट्रेन अराइव्ड एट लाहौर स्टेशन इन टाइम, ट्रेन लाहौर के स्टेशन पर टाइम पर आई। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, तुम्हें अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। शी अश्योर्ड मी ऑफ हर हेल्प, उसने मुझे अपनी मदद का यकीन दिलाया। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई डिफिकल्टीज, वो मेरी मुश्किल से वाकिफ नहीं। द चिल्ड्रन वर बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है खैरात, बच्चे भीख मांग रहे थे। मुस्लिम्स बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, मुसलमान अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करते हैं। दीज बुक्स बिलोंग टू हर, ये किताबें उसकी हैं। ये जो आपका 15 सेंटेंस है, दीज बुक्स बिलोंग टू हर, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है प्रीपोजिशन को, तो यहाँ पर टू है जो प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। अ सन वॉज बोर्न टू हर, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ही वॉज बोर्न इन अ रिच फैमिली, वो अमीर फैमिली में पैदा हुआ। ही डज नॉट केयर फॉर मी, वो मेरा ख्याल नहीं रखता। ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, वो अपनी सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद है। द टीचर मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज सन, टीचर ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की, अपने बच्चे बेटे, हाँ बिल्कुल, बेटे के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद 21st है आपका, ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन हिज पेरेंट्स, उसका अपने पेरेंट्स पर कोई एतमाद नहीं है। ही शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंट थी। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी कामयाबी के पर मुबारकबाद दी। ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज वीकनेस, वो अपनी कमजोरी से बाखबर नहीं, वाकिफ नहीं। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर सन, उनका अपने बेटे पर कोई कंट्रोल नहीं। पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू अस, पाकिस्तान हमें बहुत अजीज है। द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हर फॉर इट्स लिविंग, पूरी फैमिली अपने जिंदगी के लिए, अपने रोजगार के लिए उस पर डिपेंड करती है। दिस लेटर वॉज डिलीवर्ड टू मी ओनली यस्टरडे, ये लेटर मुझे कल ही डिलीवर किया गया था। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू डाई फॉर अवर कंट्री, हमें अपने मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना, ये तमाम आपके प्रीपोजिशन हैं। आपका लेक्चर आज का तमाम हुआ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह इंग्लिश बी ही करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।